भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन के बाद से पूरा राष्ट्र उन्हें स्मरण कर श्रद्धांजलि दे रहा है। जबलपुर के विजन ऑर्डिनेंस संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सेना के छावनी परिसर में स्थित विजय स्तंभ के पास पहुंचकर मनोहर पारिकर को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जी भैया, क्या कार्यक्रम किया? सरलता, सादगी और उच्च विचार के प्रतीक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, की एक मिसाल थे मनोहर पर्रिकर जी, जिनके निधन से केवल गोवा प्रदेश को नहीं, उनके समाज को नहीं, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। आज विजन ऑर्डिनेंस के तमाम वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही हम यह भी आशा करते हैं कि हमारे देश के जितने राजनेता हैं वे भी पर्रिकर की तरह एक सादगी का चरित्र अपने आप में लाएं और जिस तरीके की मिसाल उन्होंने पेश की है वे भी इस देश के सामने पेश करें। और हम सब आज पर्रिकर जी को पुनः यहाँ पर स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष विजन ऑर्गेनाइज। अब बात करते हैं हरियाणा के करनाल की, जहां उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 7:30 बजे ट्रक और बस का एक्सीडेंट हो गया जिनेश्वर बस स्टैंड के सामने। जो ही पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस, 4-5 आदमी को चोट लगी है जो अस्पताल में भेज दिए हैं और तफ्तीश जारी है। जिसके खिलाफ एक्सीडेंट किया जिसने उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तफ्तीश जारी है लगातार। बस में तो 40-50 सवारी थी, 4-5 सवारी को चोट लगी और अस्पताल में दाखिल कर दी, भेज दी, रेफर कर दी, करनाल है दाखिल। कुछ यहाँ इंद्री है, कुछ करनाल है, तफ्तीश लगातार जारी है जिसका कसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह आज एक्सीडेंट हुआ है एक ट्रक और बस को, जैसे ओवरटेक कर रहा था बस वाला, तो वैसे ही बस वाले की गलती लगा लो या जिस तरह मर्जी लगा लो, एक ओवरलोड वाहन भी चल रहे हैं, इसके कारण जैसे बस वाले ने ओवरटेक करी, आमने सामने की साइड से टक्कर हो गई बस की और काफ़ी यात्री भी घायल हैं। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस ने हमको बुलाया तो हम क्रेन लेके पहुँचे, रोड को क्लियर किया और जो घायल यात्री थे उनको करनाल हॉस्पिटल में, इंद्री हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। जी बस जी, ये तो ये लगा लो लापरवाही लगा लो, कुछ ही मर्जी लगा लो उसको, तो लापरवाही लगती है या ओवरलोड लगा लो, ओवरलोड भी है जी, ये चीज़ें होती हैं जी। ज़्यादातर तो ये होती है कि सभी को जल्दी है, अब जो जितनी ज़्यादा जल्दी करेगा उतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी जी। शाहजहाँपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया इसके हमें तो गोली लगी हुई पड़ा हुआ। ये कौन है आपका? मेरा छोटा भाई। कितने समय की बात है ये? अभी 1 घंटा पहले की। पिताजी से पूछ लेना इनके। गोली किसने मारी है ये? सर मैंने मौके पर नहीं, जैसा कि मृतक के भाई ने, बड़े भाई ने तहरीर दी है कि मृतक करीब ये 18-19 वर्ष का युवक था, शादी न होने की वजह से परेशान था, कुछ घरेलू कलह जो है इसके पीछे बताई जा रही है। आज कुछ घर में कलह भी हुई थी और ये अवसाद में भी चल रहा था इन्हीं वजहों से लेकर कि इसकी शादी नहीं हो पा रही, तो उसी तनाव में आज इसने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या की। नहीं, वो मौके पे उसकी जांच की गई है तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मृतक के जो बड़े बाबा हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि मृतक ने खुद अपने आप को गोली मारी। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद पार्षदीय विद्यालय के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पार्षदीय विद्यालय के अध्यापक अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे। देश के भविष्य कहे जाने वाले नैनीहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां पर बड़रपुर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और मेरे यहाँ मॉनिटरिंग सेल जो मैंने बनाया है उसके द्वारा भी निरीक्षण हो रहा है। जो भी शिक्षिका, प्रधानाध्यापक या शिक्षा मित्र या अनुदेशक गायब रहते हैं उनके विरुद्ध वेतन रोकने या निलंबन की कार्रवाइयाँ जो भी विसंगत है की जा रही है। वर्तमान में शौचालय जहाँ खराब है उसको ठीक कराने का कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट मिनिमम फैसिलिटी के अंतर्गत आता है, निर्वाचन
घोषित हो चुका है और एक एक विद्यालय की सूची बनाई जा रही है जहाँ पर बूथ हैं, वहाँ शौचालय सब ठीक कराए गए हैं और जो रह गए वो शीघ्र सीख करा ली जाएगी। सर आप भी यदि अगर कहीं शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत जाँच कराता हूँ, कार्रवाई भी करता हूँ, कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी के खिलाफ इंदिरापुरम इलाके में होली मिलन समारोह के दौरान ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में वोट मांगने के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन कर आरोपी मानते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज हम सब समाजवादी पार्टी के लोग, चूँकि यहाँ के जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, उनके पास ज्ञापन लेकर के आए, क्योंकि कल हमारे समाजवादी पार्टी के जो लखनऊ से अभी घोषित हुए हैं उन्होंने अभी पर्चा भी दाखिल नहीं हुआ है, उन पर कल एक होली मिलन समारोह में शामिल होने पर आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जबकि इसके विपरीत उसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय विधायक उसी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसकी मैंने फोटो भी लोगों को सबको दिखाई। और एक और शिकायत जो पूरे बाजारों में, एक तरफ होली के मामले पर आप देखिए मोदी और योगी जी की फोटो लगी हुई, 1,00,000 से ज़्यादा पिचकारी भारतीय जनता पार्टी ने सदर बाजार से मंगवाई हैं, ये मेरे पे पूरा पुख्ता सबूत है। और इन पिचकारियों को दुकानों पर मुफ्त में बांटा गया है, हर दुकान पे 2,000 से 1,000 तक पिचकारी दी गई हैं और इन पिचकारियों को दुकानदार 5 रुपये में 10 रुपये में, मैं भी खरीद कर लाया हूँ 10 रुपये में, आप बताइए 10 रुपये में पिचकारी मिल जाएगी क्या? नहीं, ये केवल इसीलिए पिचकारी 10 रुपये में लेकर के आया हूँ मैं, क्योंकि ये फ्री में मिली है उन्हें और उन्हें 10 रुपये में इसके मिल रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी हर घर में बच्चों के हाथ में पिचकारी दे करके झूठा प्रचार करना चाहती है। एक तरफ गाजियाबाद का जिला प्रशासन यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करता है और अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। आपने क्या मांग की है? हमने मांग करी है, एक तो हमारा मुकदमा वापिस हो, एक ये जो पिचकारियां बांटी जा रही, कौन बंटवारा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कौन भारतीय जनता पार्टी के किसके इशारे पर किसने ये पैसा खर्च करा, किसने ये फंडिंग करी है, उसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा मैंने ये पे शिकायत कराई थी परसों, ये रहा नंबर उसका, इसमें मेरी 2 मिनट 36 सेकंड बात हुई है, इस नंबर पे मैंने शिकायत कराई थी। अगर से ये इन्होंने उपलब्ध कराया था हम पे चुनाव कंट्रोल रूम, इस पे शिकायत दर्ज कराने के लिए 2 मिनट 36 सेकंड बात हुई मेरी, मैंने दर्ज कराई कि अग्रसेन भवन के सामने तमाम सरकारी संपत्तियों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर लगे हुए थे, मगर अब तक मेरी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम पर कार्रवाई कर दी गई। तो इस तरीके से एक पक्ष कार्रवाई हो रही, हमारी मांग नहीं मांगी गई, क्योंकि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आज जो है देश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और हम ये सब लोग चुनाव उन्हीं के अधीन आता है। अधिकारी ये ना समझे कि वो जो मर्जी कर लेंगे, अगर अधिकारी इस तरीके से करेंगे तो हम अधिकारियों को बदलवाने की भी यहाँ पे मांग करेंगे चुनाव आयोग से, जब ही निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसे हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बने, निष्पक्ष चुनाव कराइए, जनता को निष्पक्ष वोट करने दीजिए, जिसे जनता चुनेगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे जनता चुनेगी वो हमारे गाजियाबाद का सांसद बनेगा। मगर इस तरीके से बेईमानी करके पहले ही दिन से ये पता चल गया हम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की हरकत यहाँ गाजियाबाद में कराने वाली है। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह के साथ मतदान स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें सभी मतदान स्थलों पर स्थिति संतोषजनक पाई गई। अपने बूथों का निरीक्षण किया है, तो किन किन बूथों का निरीक्षण किया और क्या क्या आपने वहाँ पर? आज वहाँ के लिए आया था और जहाँ हमारी ओर से भी रुकने की जो चुनाव कराने आएंगे बाहर से, उनका देखने आया था कि वहाँ जो कंस्ट्रक्चर हमें चाहिए वो है कि नहीं। उनके थाना क्षेत्र में 13 मतदान केंद्र हैं जो मल रहे हैं, क्योंकि लगभग आधे का भ्रमण आज मैंने किया है। इसी तरह से ओर से रुकने का जो उनको भी देख लिया गया, प्रभारी उन्हें चिन्हित किया है और स्थान पैरामिलिट्री सिक्योरिटी और गार्ड्स DAC सबके रहने के दृष्टिकोण से ये भी तैयारी किए गए हैं। रात थोड़ी बहुत कभी हो सके रहा है। यूपी के शाहजहांपुर की बात करते हैं, जहां झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला है। बता दें कि यहां टीन की झोपड़पट्टी में अंग्रेजी दवा का अस्पताल चल रहा है।
कहा यह भी जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ये सारा कारोबार खूब फल फूल रहा है। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा के नेतृत्व में होली और लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान पुलिस द्वारा होली की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्वक और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। मद्देनजर क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पुलिस द्वारा? रामपुर पुलिस के द्वारा आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए साथ साथ चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत लगभग 3 कंपनी हमारे पास PSC और पैरामिलिट्री है जो एरिया डोमिनेशन कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारे लोकल पुलिस के जवान हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं 2000 के आसपास, 900 के आसपास होमगार्ड लगाए गए हैं, PRD के कर्मचारी लगाए गए हैं, हमारे चौकीदार लगाए गए हैं, जितने भी होलिका दहन स्थल उन सबको विजिट कर लिया गया है, जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है, अन्य जितने भी माध्यम हैं सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है, सभी माध्यमों से ये इंश्योर किया जा रहा है कि किसी स्थिति में कहीं पर भी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। भीड़ भाड़ वाले मार्केट या इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन सब पर वर्दी में और सिविल ड्रेस में महिला और पुलिस कर्मचारी लगे हैं, जो व्यापक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम जनता को सुरक्षा का भान करा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, डायल 100 की गाड़ियाँ और निरंतर भ्रमणशील में फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि आम जनता में सुरक्षा का माहौल पैदा हो, साथ ही साथ त्यौहार अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए रामपुर पुलिस कटिबद्ध है। इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।